हालचाल करू नका फक्त. तो चलिए हम पहुँचे फाइनली हमारे महाराष्ट्र में और काफ़ी सारे सांप हमने रेस्क्यू किया. आज भी देखिए 4-5 सांप रेस्क्यू किए. अभी पांचवा रेस्क्यू कॉल है हमारे सुदर्शन कॉलोनी अहमदनगर जिला के अंतर्गत. ये भिंगार शहर है. चलिए है ना अजून याच्या दे का. हाँ नागे तो कोबरा साफ है यहाँ पर. तो नमस्कार मित्रांनो, मी सर्पमित्र आका जाधव आपल्या महाराष्ट्रातून अहमदनगर जिल्ह्यातून. आज आम्ही पोहोचलोय भिंगार शहर येथे सुदर्शन कॉलनी. तर या ठिकाणी मोठा असा नाग आहे, जाळीमध्ये लपलेला आहे. या ठिकाणी हमारे महाराष्ट्र के अंतर्गत जो अहमदनगर जिला है यहाँ पर हम रेस्क्यू का काम करते हैं और आज हम पहुँचे हैं भिंगार शहर में, भिंगार शहर सुदर्शन कॉलोनी. नहीं नहीं पहले है ना पल्लीकडून कापड़ फाड़ू का मांगते. ठीक है ठीक. तो यहाँ पर ये कोबरा सांप छुपा हुआ है. तो ध्यान से देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये कोबरा सांप किस तरह छुपा हुआ है अंदर. गज द्या बरं, एक गज तुकडा असा ना गजाचा, एक छोटा तुकडा आहे गजाचा, त्याच्यात घालता येईल असा. हालचाल करू नका फक्त. तो ये रहा कोबरा सांप दोस्तों, देखिए किस तरह से ये खतरनाक कोबरा सांप यहाँ पर छुपा हुआ था. और अच्छा हुआ इन्होंने देख लिया, यह हादसा भी हो सकता था क्योंकि एक जानलेवा सांप है. वैसे तो ये सांप जबरन कभी काटते नहीं, जब इनको खतरा महसूस होगा तभी ये काटेगा. तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से जूते पर बाइट करने की फिराक में, और एक जोर से भी जूते को काट लेता है तो कोई खतरा नहीं होगा क्योंकि हमारे जूते जो है काफ़ी मजबूत होते हैं, इसमें इसका दांत जो है नहीं घुस पाएगा. I love you.
तो दोस्तों, सांपों को पकड़ना एक कला है, आर्ट है, इसे कोई भी नहीं पकड़ सकता। ये कला सीखने के लिए लगभग साल दो साल अध्ययन करना पड़ता है, तब जाकर के सांप पकड़ सकते। ऐसे ही कोई बिना जानकारी के कभी भी कोई सांप नहीं पकड़ना, इसके लिए कोई एक्सपर्ट ही चाहिए जो सांपों पर पूरी तरह से जिन्होंने अध्ययन किया है। तो हम लोगों ने इसका ट्रेनिंग लिया है, कब ये बाइट करते हैं, कब ये काटेगा, कब किस तरह से इनको रेस्क्यू करना है, कैसे पकड़ना है। तो चलिए दोस्तों, हमारे पास बैग तो मौजूद नहीं है फिलहाल, क्योंकि सुबह से हमने लगभग 4-5 सांप रेस्क्यू किए, और अब इसको हम एक बोरी में डालेंगे। दिखाओ इधर, एक सूत्र दे होगा। तो दोस्तों, आपने देखा भिंगार शहर में एक सांप रेस्क्यू किया था, यहाँ पर मैं इस सांप को रिलीज कर रहा हूँ। देखिए ये सांप किस तरह पर्यावरण में चला गया। ये वीडियो अगर आपको पसंद आता है, इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल बटन ज़रूर दबाएँ।